प्रकृति एक ऐसी अद्भुत चीज है जो अपने आप में शानदार और लाजवाब तो है ही, साथ ही बेहद शक्तिशाली भी। अभी तक आपने हमारे वीडियोस में भारत के अलावा दुनिया भर की कई स्वर्ग जैसी जगहों के बारे में जाना है, लेकिन आज हम भारत में स्थित स्वर्ग जैसी पांच अद्भुत जगहों के बारे में बताएंगे जो आपको भी वहां जाने के लिए मजबूर कर देंगी। ये जगह इतनी खूबसूरत और अद्भुत हैं कि खुद भगवान भी यहाँ रहना पसंद करेंगे। अगर हमें इन जगहों को एक ही शब्द में नाम देना हो तो निश्चित रूप से वो शब्द होगा अविश्वसनीय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सूरज और स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस हिंदी में। इस द्वीप को लक्षद्वीप के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ आने वालों के लिए ये एक बहुत ही आकर्षक पर्यटन स्थल है। ये द्वीप इतना खूबसूरत है कि अगर आप लक्षद्वीप आए और यहाँ ना घूमें तो आपकी यात्रा अधूरी होगी। यहाँ आने के लिए आपको लक्षद्वीप के किसी भी हिस्से से बोट हमेशा तैयार मिलेंगी। यहाँ नौकाएं ही यातायात का मुख्य माध्यम है। इसके अलावा अगाती ही पूरे लक्षद्वीप समूह में घरेलू हवाई अड्डा प्रदान करता है, जहां से आसानी से कोचीन और बेंगलोर के लिए आप जा सकते हैं। बहुत ही थोड़ी सी जगह में बने होने के कारण यहां का हवाई अड्डा पूरे विश्व में मशहूर है। जब आप अगाती में कदम रखेंगे तो आप इसकी सुंदरता से इतना मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप अपने आप को इसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे। इसकी सुंदरता को देखकर विदेशों से भी काफी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। ये जगह आज भी व्यवसायीकरण की दृष्टि से बिल्कुल अछूती है। पर्यटन में रुचि रखने वाले ज्यादातर पर्यटकों को ये नहीं मालूम होता है कि उन्हें यहाँ आने के बाद क्या क्या देखने को मिल जाएगा। अगाती द्वीप में पानी के नीचे की कई गतिविधियां मौजूद हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग, गोता लगाना, स्वास्थ्य नली लगाकर गोता लगाना। मजे की बात तो ये है कि ये सब खेल यहाँ बहुत सस्ते हैं, जिस कारण यहाँ आने वाले इन खेलों का पूरा लुत्फ तो उठा सकते हैं। यहाँ आने के बाद लोगों को यकीन नहीं होता कि दुनिया में इतनी अच्छी जगह भी हो सकती है। रंगों का सैलाब, कोसों तक चमचमाती सफेद रेत, धसती उभरती गद्देदार धरती, उस पर खिला पूरा चांद और हवाओं में गूंजती मधुर लोक धुने। यह नजारा कहता है, मुझे देखो, मैं अद्भुत हूँ, मैं कच्छ हूँ, मैं लाजवाब हूँ। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ये रन। इस रन को व्हाइट डेजर्ट यानी सफेद रेगिस्तान कहा जाता है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा सफेद रेगिस्तान है। साथ ही पाकिस्तान और सिंधु नदी से जुड़ा हुआ भी है। ये कुल 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये इतना विशाल है कि इसमें आपको तरह तरह के इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। साल के महीनों में यहाँ अलग अलग वातावरण दिखाई देते हैं। कच्छ के रन की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की सफेद रेत है, जिसका यह रंग उसमें मौजूद नमक के कारण है। बारिश के दिनों में समुद्र तल से सिर्फ 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस रन में पानी भर जाता है। लेकिन सबसे बेहतरीन होता है यहाँ ठंडी का मौसम। हर साल ठंडी के मौसम में यहाँ रन उत्सव मनाया जाता है। गुजरात की पहचान बन चुके रणोत्सव के जरिए देश विदेश के पर्यटक कच्छ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की संस्कृति से रूबरू होते हैं और उत्सव का आनंद उठाते हैं। ठंडी में मौसम यहाँ बहुत ही सुंदर होता है और यहाँ की चांदनी रात दुनिया में सबसे शानदार है। जब चांद की रोशनी सतह पे पड़ती है
तो यहाँ रात में भी उजाला दिखाई देता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कच्छ के इस रण में दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता, जो कि दिखने में बहुत ही लाजवाब लगता है। सफेद रेत, अविस्मरणीय सूर्योदय, शानदार सूर्यास्त और अद्भुत रात, कच्छ के रण की ये खासियतें ही इसे भारत की सबसे सुंदर जगहों में शुमार करती हैं। दक्षिण में स्थित केरला, जिसे भगवान का देश भी कहा जाता है, अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य की एक मिसाल है, जहां की हरियाली सबका मन मोह लेती है। भारत के केरला राज्य में ठीक अरब सागर के सामने कुछ ही दूरी पर स्थित है बैकवाटर्स की झीलों की श्रृंखला। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम नहरों द्वारा जुड़ी हुई 5 झीलें हैं, जिनमें 38 नदियां पीछे की तरफ जल लाती हैं। इसी वजह से इन्हें बैकवाटर्स कहते हैं। यहाँ नदियों के किनारे कई गांव और नगर बसे हुए हैं, जहाँ से पर्यटक इन खूबसूरत झीलों का नजारा देखने आते हैं। केरल के बैकवाटर्स के इलाके दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक हैं। बैकवाटर्स के झीलों का सफर जीवन का कभी ना भूलने वाला अनुभव लगेगा। इसके आसपास की हरियाली को देख आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे और प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य के आनंद में डूब जाएंगे। केरला के बैकवाटर्स की सुंदरता किसी भी चित्रकार की कल्पना से परे है। नदी, तालाब और नारियल के बगीचे, प्रकृति ने इस जगह को दिल खोल कर उपहार दिए हैं। बैकवाटर्स की ये अद्भुत छटा दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को इस सौंदर्य के पास खींच लाती है। हिमाचल का दुर्गम क्षेत्र लद्दाख, चीन और तिब्बत की सीमाओं से सटी स्पीति घाटी प्रकृति का एक अजूबा है। इसी स्पीति घाटी में है चंद्रताल झील। हिमालय की स्पीति घाटी, जिसे बर्फीला रेगिस्तान कहा गया है, अपने अप्रतिम सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रताल झील तीनों ओर से ऊंची ऊंची पर्वतीय श्रृंखलाओं और नदी घाटियों से घिरी है। नीले स्वच्छ जल वाली इस झील को दुनिया का सबसे सुंदर झील कहा गया है। इस झील के पानी का बदलता हुआ रंग विस्मयकारी है। इस झील के पानी का रंग सुबह से पहले भूरा पारदर्शी, सूर्योदय के बाद नारंगी, फिर नीला तथा अंत में शाम को गहरा नीला हो जाता है। इस झील का बदलता रंग इसे दुनिया में सबसे अद्भुत झील बनाता है और बहुत से लोगों का कहना है कि ये झील पेंगोंग झील से भी खूबसूरत है। चंद्रताल हिमालय पर करीब 4,300 मीटर यानी 14,100 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। झील का आकार चंद्रमा की तरह होने के कारण इसका नाम चंद्रताल पड़ा है। लाहौल स्पीति जिले में स्थित ये शानदार झील ट्रैकिंग व कैंपिंग जैसे रुचि वाले साहसी पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रताल झील का व्यास करीब 2.5 किलोमीटर है तथा झील के चारों तरफ विशाल मैदान है, जो कि बसंत में कई प्रकार की वनस्पति व जंगली फूलों से भर जाता है। आश्चर्य की बात है कि झील में पानी के आने का कोई स्रोत दिखाई नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि इस झील के पानी का स्रोत धरती के नीचे से ही है। 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रताल झील दुनिया की सबसे बेहतरीन झील है।
कश्मीर, इसके सामने तो स्विट्जरलैंड भी शर्मा जाए। दुनिया इसे पैराडाइज ऑन अर्थ कहती है। बात जब स्वर्ग जैसी जगहों की आए तो कश्मीर लिस्ट में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, घाटियों के बीच में बहती झीलें, झाड़ियों से भरे जंगल और फूलों से घिरी पगडंडियाँ ऐसा प्रतीत कराती हैं जैसे ये एक सपनों की जगह हो। इंसान को मंत्रमुग्ध कर देने वाली कश्मीर घाटी सबसे बेहतरीन जगह है। इस जगह को देखने के बाद दुनिया का दुखी से दुखी इंसान भी खुश हो जाएगा। कश्मीर है ही कुछ ऐसा। कश्मीर की शीतल आबोहवा, हरे भरे मैदान और खूबसूरत पहाड़ियों की हसीन वादियों में प्रकृति एक अद्भुत सौंदर्य की छटा बिखेरती है। यही वजह है कि कश्मीर हर दिल में बसता है और दुनिया वाले इसे धरती का स्वर्ग मानते हैं। यहाँ पूरे साल लाखों पर्यटक घूमने और अपनी छुट्टियाँ बिताने आते हैं। यहाँ पर लोग कामकाज या फिर घूमने के लिए नौकाओं का इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ा ही रोमांचक लगता है। यह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ तूफानी करने वाले लोगों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे ट्रैकिंग, स्काइंग और पैराग्लाइडिंग। जम्मू कश्मीर में यूं तो कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन पहलगाम, सोनमर्ग, पटनी टॉप और गुलमर्ग जैसी जगहें अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। डल झील और नागिन झील यहाँ की प्रसिद्ध झीलें हैं। यहाँ जाकर आपको जरूर ही ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में हैं। कश्मीर हर दिल में बसता है। दुनिया भर के लोग कश्मीर को देखना चाहते हैं और आपको भी इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। और भारत में रहकर इसको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। दोस्तों, ये थे हमारे सौंदर्य से भरपूर भारत देश की कुछ अद्भुत जगहें। आप इनमें से कौन सी जगह जाना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।